हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लोगो प्रोग्रामिंग। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे लोगो प्रोग्रामिंग के बारे में और जानेंगे कि लोगो में प्रोग्रामिंग किस तरीके से हो सकती है और लोगो प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम कौन कौन सी चीजें डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम समझेंगे MSW लोगो के बारे में। MSW का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो। सो लोगो क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर की लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ में आती है। सो लोगो क्या एक बहुत ही सिंपल, इजी एंड फन लविंग लैंग्वेज। लोगो इज ए सिंपल, इजी एंड फन लैंग्वेज। तो इसको कोई भी सीख सकता है कि बहुत इजी है। ओके, सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक्स ऑफ ए कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं। उन लैंग्वेज को समझने के लिए लोगो हमें बहुत हेल्प करती है। अगर हम लोगो समझ जाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको हम CLB कहते हैं वो क्या होती है और कंप्यूटर लैंग्वेज क्यों बनी है, क्या कमांड्स होती हैं, क्या इनके पैरामीटर्स होते हैं। सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा अगर हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब MSW लोगो को समझ जाएंगे। सो लोगो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री लाइक एंगल्स एंड ग्राफ। तो जब हम लोगों की स्क्रीन पर देखेंगे तो हम वहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाएंगे ज्योमेट्रिक्स के, फॉर एग्जाम्पल ट्रैंगल, रेड ट्रैंगल। तो इस तरीके के डायग्राम्स जब हम बनाते हैं तो हमें इन डायग्राम्स के बारे में भी बहुत क्लैरिटी होती है कि कौन से एंगल्स पे हम क्रिएट कर रहे हैं, कौन से लाइंस पे हम बना रहे हैं। ओके, सो लोगो क्या हेल्प करती है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री लाइक एंगल्स एंड ग्राफ। ओके, एंड थर्ड वी कैन यूज लोगो टू ड्रॉ पिक्चर्स। सो हम लोगो को पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज लोगो टू ड्रॉ पिक्चर्स। लोगो की हेल्प से हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। लोगो प्रोग्राम की हेल्प से वी कैन परफॉर्म द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। लोगो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड थर्ड फॉर प्रिंटिंग लोगो, फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट। लोगो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंटिंग टेक्स्ट, कि हम स्क्रीन पे अपनी कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे टेक्स्ट को प्रिंट भी करा सकते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ MSW लोगो की। MSW लोगो कितने पार्ट्स होते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं कोड को टाइप करेंगे, तो एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे ग्राफिक स्क्रीन होती है और यहाँ पे हमारा कमांडर विंडो। कमांडर विंडो में हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और ग्राफिक स्ट्रिंग में जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं कमांडर में, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है, इसे हम बोलते हैं टर्टल। वो टर्टल हमारे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। ओके, सो लोगो स्क्रीन हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट ग्राफिक विंडो और मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन क्या करती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन विंडो। इसको हम मेन विंडो भी कहते हैं। द मेन विंडो शोज द वर्क डन बाय यू इन लोगो। तो जो भी कमांड और प्रिमिटिव्स हम कमांडर विंडो में देते हैं वो एक टर्टल, एक ऑब्जेक्ट होता है ट्रायंगल शेप्ड, ठीक है। इसको हम ऑब्जेक्ट होता है ट्रायंगल शेप्ड, इसको हम कहते हैं टर्टल। तो ये टर्टल क्या करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस, दिस ट्रायंगल इज नोन एज टर्टल एंड दिस टर्टल विल फॉलो योर ऑल इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स विच आर नोन एज प्रिमिटिव्स। जो भी कमांड्स और प्रिमिटिव्स हम लोगों में देते हैं कमांडर विंडो में लिखेंगे वो सारे कमांड्स टर्टल क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो अगर हम टर्टल कहेंगे कि फॉरवर्ड 90, तो 90 स्टेप्स चलेगा। राइट एंगल पे हमें मूव करना है तो हम राइट एंगल की कमांड देंगे। ओके, सो हम वेरियस कमांड्स भी सीखेंगे इसमें कि डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी कमांड्स हम इसमें दे सकते हैं। सेकेंड पार्ट है कमांडर विंडो। कमांडर विंडो क्या होता है, दिस इज स्मॉल एरिया हियर वी टाइप कमांड। ये मैंने बताया था आपको कि अगर एक सॉफ्टवेयर का लेआउट इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक कमांडर विंडो होती है। कमांडर विंडो में हम इंस्ट्रक्शंस टाइप करते हैं और ये टू टाइप पार्ट्स में होती है, कमांडर इनपुट बॉक्स और रिकॉल लिस्ट बॉक्स। कमांडर इनपुट बॉक्स में आप कमांड लिखते हैं करेक्टर में और रिकॉल लिस्ट बॉक्स में आप कुछ ऑप्शंस मिलते हैं ताकि आप प्रोग्राम को रीसेट कर सको, हॉल्ड कर सको। तो अभी हम सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि ग्राफिक विंडो कौन सा होता है और कमांडर विंडो कौन सा होता है। ओके, सो ये MSW स्क्रीन की लोगो स्क्रीन की विंडो है। इसमें ये जो स्क्रीन है जहाँ पे टर्टल मैंने बताया था, एक ट्रायंगल ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं टर्टल। और ये कमांडर विंडो है। कमांडर विंडो में जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो ये टर्टल परफॉर्म करता है।
इसे हम कहते हैं कमांडर विंडो, और ये हो गई हमारी ग्राफिक विंडो। दो पार्ट हमने जो पढ़े थे वो यही होते हैं, दिस इज ग्राफिक स्क्रीन और एक कमांडर स्क्रीन। इसको हम कहते हैं ग्राफिक स्क्रीन और इसको हम कहते हैं कमांडर विंडो। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट कमांड्स लोगों में कि डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी कमांड होती है, कौन कौन सी कमांड हम इसमें दे सकते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे लोगो कमांड के बारे में कि लोगों में हम कमांड किस तरीके से दे सकते हैं। जो फर्स्ट कमांड होती है वो होती है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। सो हमने देखा था कि एक इस तरीके का स्क्रीन पर टर्टल बना होता है। ओके, ये ग्राफिक स्क्रीन हमारी और इस तरीके का टर्टल बना होता है। तो इस टर्टल को हमें आगे मूव करने के लिए, आगे मूव करने के लिए हम कौन सी कमांड देते हैं, फॉरवर्ड। तो सिंटेक्स क्या होते हैं, हम इसको ऐसे तरीके से लिखते हैं एफ डी और यहाँ पे नंबर FD70। FD70 का मतलब होता है कि ये कमांड क्या करेगी, टर्टल को 70 स्टेप्स अहेड, टर्टल स्क्रीन पे 70 स्टेप्स अहेड मूव करेगा। अहेड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये कमांड क्या है कि एक टर्टल को मूव करने के लिए, आगे मूव करने के लिए हम इस तरीके से कमांड देते हैं। तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, टाइप FD, सबसे पहले आपको टाइप FD करना है, उसके बाद प्रेस स्पेस बार की, एक स्पेस बार की प्रेस करनी है, टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ स्टेप्स मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 स्टेप्स मूव कराने हैं तो मैं 100 दूंगा, अगर मुझे 70 स्टेप्स अहेड कराने हैं तो मैं 70 दूंगा। फिर प्रेस एंटर की, तो उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगा, जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, कमांड को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल FD70 मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 70 स्टेप्स। तो अगर होम स्क्रीन पे टर्टल बिल्कुल सेंटर पे है तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा FD100 तो ये टर्टल क्या करेगा, 100 स्टेप्स आगे मूव करेगा। तो इस एग्जाम्पल को हम एक बार लोगों की स्क्रीन पे देखते हैं, ग्राफिक स्क्रीन पे। ओके, सो ये हमारे लोगों की स्क्रीन है, टर्टल बिल्कुल सेंटर पे है, तो मुझे क्या करना है, FD टाइप करना है। सबसे पहले मैं टाइप करूंगा FD और फिर वैल्यू। वैल्यू मतलब कि जितने भी स्टेप्स हमें आगे मूव करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 100 स्टेप्स आगे करना है तो FD 100 जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, 100 स्टेप्स आगे मूव करेगा। मुझे और आगे मूव कराना है तो FD 150, तो ये 150 स्टेप्स आगे मूव करेगा। ये बहुत सिंपल सी कमांड है FD, जैसे मैं FD का मतलब होता है फॉरवर्ड, और लोगो क्या करेगा इसमें टर्टल को 50 स्टेप्स, 100 स्टेप्स, 150 स्टेप्स, कोई भी नंबर ऑफ स्टेप्स आप दे सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, 10, 15, 20, जितने भी स्टेप्स आपको मूव कराने हैं आप उतने भी स्टेप्स मूव करा सकते हो। ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे बैकवर्ड कमांड कि हम बैकवर्ड कमांड किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बैकवर्ड के लिए भी आपको टाइप करना है BK, जैसे हमने फॉरवर्ड के लिए FD टाइप किया था, बैकवर्ड के लिए हम क्या टाइप करते हैं, BK। बैकवर्ड का मतलब है अगर ये लोगो स्क्रीन है, यहाँ पे टर्टल है, ठीक है, टर्टल मूव कर चुका है आगे या अपनी पोजीशन पे ही है, तो अगर हमें इसे बैकवर्ड मूव कराना है बैक डायरेक्शन में कि टर्टल यहाँ पे आ जाए, तो ये हमारी करंट पोजीशन थी, ये हमारी करंट पोजीशन है और इसको हमें इस साइड मूव कराना है कि टर्टल यहाँ पे आ जाए। तो हम किस तरीके से करेंगे, क्या टाइप करेंगे, BK बैकवर्ड। तो हमें क्या करना है, टाइप BK, कमांड के स्टेप्स क्या होंगे, टाइप BK, हमें टाइप करना है BK, प्रेस स्पेस बार की, तो स्पेस बार की टाइप करेंगे, हम शो नहीं करनी होती, मैंने सिर्फ आपको ऐसे एग्जांपल दिया कि आपको यहाँ पे एक स्पेस बार प्रेस करना है। उसके बाद स्पेस बार के बाद क्या करोगे, टाइप द नंबर ऑफ स्टेप्स, आपको 100 स्टेप्स बैक करने हैं तो आपके टाइप करोगे BK 100, फिर आप एंटर की प्रेस करोगे। ओके, जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे ये टर्टल हमारे कमांड्स को फॉलो करेगा और जितनी भी वैल्यू आपने दिए 10, 20, 100, 200 उतने स्टेप्स ये बैक आ जाएगा। तो एक इसका एग्जांपल BK 70, मतलब अगर मैं प्रेस करूंगा BK 70 और एंटर करूंगा तो क्या होगा, इट विल मूव द टर्टल बैकवर्ड बाय 70 स्टेप्स। तो इसको हम स्क्रीन पे देखते हैं कि ये स्टेप्स हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमने फॉरवर्ड 150 किया था, अब हम बैकवर्ड करेंगे, बैकवर्ड के लिए हम BK 300,
जैसे ही मैं 300 करूंगा आप देखोगे 300 स्टेप्स पीछे आ गया। मैं सिर्फ FD10 करता हूँ, थोड़ा सा और आगे, अब फिर से और ज्यादा पीछे करके देखते हैं, BK40। तो आप देखोगे कि ये बैक साइड में ड्रॉ कर रहा है। इसी तरीके से हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं। ये तो था इसको फॉरवर्ड करने के लिए, बैकवर्ड करने के लिए। अगर हमें टर्टल को टर्न करना है, मैं चाहता हूँ कि टर्टल दूसरी डायरेक्शन में टर्न हो जाए, तो उसके लिए भी डिफरेंट कमांड आती है। सो अब हम पढ़ेंगे टर्न करने के लिए। टर्न करने के लिए कौन सी कमांड आती है? RT और LT। तो अब हम देखेंगे RT कमांड के बारे में। अभी तक हमने फॉरवर्ड टर्टल मूव किया था और बैकवर्ड किया था। बैकवर्ड में टर्टल बैक साइड मूव होता है। तो अगर हमें टर्टल को टर्न करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे टर्टल को टर्न करना पड़ेगा। तो ये टर्न करने के लिए RT कमांड होती है। RT मतलब राइट टर्न। तो स्टेप्स होते हैं टाइप RT, RT 60। 60 होता है आपकी डायरेक्शन की, आपको कितने एंगल पे मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये टर्टल मैंने बनाया, मुझे 90 पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, RT 90 कमांड। तो मैं RT 90 कमांड टाइप करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, टर्टल की डायरेक्शन 90 साइड को मूव हो जाएगी। टर्टल अगर इस पोजीशन में था तो टर्टल इस तरीके से 90 के एंगल में शो होगा। ठीक है, ये इसका हेड हो जाएगा। तो अगर इसका हेड हो जाएगा, इसके बाद मैं FD कमांड करूंगा, FD 100। तो ये क्या करेगा, 90 एंगल में ही आगे को बढ़ेगा। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले अगर टर्टल होम स्क्रीन पे है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले मुझे कमांड दूंगा FD, FD 100। FD 100 से टर्टल आगे को मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेप वन में टर्टल क्या करेगा, इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर टर्टल है तो यहाँ पहुंच जाएगा टर्टल। तो ये हो जाएगा स्टेप वन, जहाँ पे मैंने FD 100 किया। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, RT 90। RT 90 क्या करेगा, इस टर्टल को इस पोजीशन में, ये हेड हो जाएगा, ये टर्टल क्या हो जाएगा, 90 एंगल पे रोटेट। RT का मतलब क्या होता है, राइट टर्न, और ये वैल्यू आपको सिग्निफाई करती है एंगल के बारे में, कि आपको कितने एंगल पर टर्न करना है। तो मुझे 90 पर टर्न करना है, मैं 90 दे दिया। फिर मैं फॉरवर्ड करूंगा 100, तो ये टर्टल इस 100 डायरेक्शन पे मूव करेगा, जो कौन सी है, 90। 90 डायरेक्शन पे मूव करेगा, और कितने मूव करेगा, 100 स्टेप। मैंने FD 100 कमांड दी है। द हेड ऑफ ए टर्टल विल टर्न टूवर्ड राइट डायरेक्शन इन 60 डिग्री। जब मैं क्या करता हूँ, RT 60 को लिखता हूँ। RT 90 क्या करेगा, 90 मूव कर देगा। हम इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, RT 10, RT 20, RT 30, 120, 360, जिस भी डायरेक्शन में हम चाहते हैं राइट टर्न करने के लिए, उस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी नंबर्स, जितने डायरेक्शन में हमें मूव कराना है। तो हम स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पे कमांड को फॉलो करके देखते हैं। सबसे पहले CS, CS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। तो उससे जो भी प्रीवियस वर्क हमने किया था वो क्लियर हो जाता है। तो अगर मुझे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, FD 100। FD 100 से मैंने क्या किया, टर्टल को 100 स्टेप्स आगे मूव कराया। अब RT 90, तो RT 90 से क्या हुआ, ये 90 डिग्री पे मूव हो जाएगा। अब इसको हम और भी मूव करा सकते हैं, RT 30। RT 30 से क्या हो जाएगा, डाउन साइड मूव हो जाएगा। फिर हम इसको आगे बढ़ाने के लिए FD 100, FD 100 हमें मूव किया। अब हम RT 120, तो आप देखोगे फिर से ये टर्न हो गया, FD 100। तो ये क्या ड्रॉ हो गया, एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया किस कमांड की हेल्प से, FD और RT। तो आप ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स इसमें बना सकते हैं, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स बना सकते हैं सिर्फ FD, RT और बैकवर्ड कमांड्स। एक और कमांड होती है इसमें LT। तो हम अब LT कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सेम LT कमांड सेम वे में बिहेव करती है जैसे RT करती। RT का मतलब था राइट टर्न, LT का मतलब होता है लेफ्ट टर्न, कि अगर हमें लेफ्ट में मूव करना है, अगर हमें लेफ्ट साइड मूव कराना है टर्टल को, तो हम क्या करेंगे, LT कमांड देंगे।
जैसे अगर हमारा टर्टल इस पोजिशन में था तो वो टर्न होके इधर को टर्न होगा, राइट साइड को। इसके लिए हमें क्या करना है, टाइप करना है एल टी और यहाँ पे एंगल, जितना भी एंगल यहाँ पे होगा उतने एंगल में टर्टल मूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 60 है तो ये थोड़ा सा 60 डायरेक्शन में इस तरीके से मूव हो जाए, ये हेड होगा ठीक है टर्टल का। 90 करेंगे तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पे इस तरीके से, ये हेड होगा टर्टल का और ये 90 डिग्री पे मूव हो जाएगा, मतलब ये अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा। द हेड ऑफ अ टर्टल विल टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन इन 60 डिग्री। एल टी 60 क्या करेगा, टर्टल को 60 डायरेक्शन मूव करेगा। तो ये भी स्क्रीन पर चल के हम देखते हैं ये कमांड कैसे फॉलो होती है। फर्स्ट स्टेप के करेंगे हम क्लियर स्क्रीन, तो अब हम मल्टीपल कमांड रन करके देखेंगे। पहले हम एफ डी 100, अब हम आर टी, हमने देखा था सेम वे में एल टी 90। एल टी 90 क्या करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा एफ डी 100। तो अब हमें लेफ्ट साइड जाना था तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड मूव किया। अब हमें राइट साइड जाना है एल टी 90, राइट साइड मूव कर दिया। एफ डी जाना है तो हम एफ डी चले गए, एल टी जाना है लेफ्ट टर्न करना है तो हम लेफ्ट टर्न एफ डी 100। इस तरीके से इसमें बहुत सारे डायग्राम्स और ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। ओके सो इसके बाद हम देखेंगे कि हम स्क्वायर किस तरीके से बना सकते हैं। सो स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ कमांड फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये वो कमांड्स हैं जो हमें स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहले हम इसको समझेंगे ये कमांड क्या है जो भी हमने पढ़ी थी, एफ डी आर टी। ओके सो अभी हम इसको पहले समझते हैं कि कमांड किस तरीके से वर्क करती हैं और टर्टल किस तरीके से मूव करेगा। जब भी हम स्क्रीन स्टार्ट करते हैं टर्टल हमारा सेंटर में होता है। ओके सबसे पहले हम क्या कमांड देंगे, एफ डी 100। जैसे हम एफ डी 100 देंगे अगर टर्टल हमारा सेंटर में है तो क्या करेगा, 100 स्टेप्स आगे मूव करके आएगा। तो ये हमारा टर्टल है। जैसे ही हम एफ डी 100 लिखेंगे और रन करेंगे, कैसे करते हैं, एंटर की प्रेस करके रन करेंगे तो टर्टल क्या करेगा, ये 100 स्टेप्स अहेड मूव कर जाएगा। ओके सेकंड स्टेप आर टी 90, सेकंड स्टेप में टर्टल का हेड जो अपसाइड है तो ये क्या हो जाएगा, 90 साइड, मतलब इस साइड जो टर्टल की पोजीशन होगी हेड होगा वो इस साइड मूव हो जाएगा। टर्टल कहां से मूव करेगा, 90 को। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, टर्टल एफ डी 100, सेम वे में अगर टर्टल यहाँ पे है, सेकंड स्टेप में यहाँ पे था तो अब वो इस साइड 100 स्टेप मूव करेगा। फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, आर टी 90, तो हमने इधर मूव किया था, अब क्या होगा इसकी डायरेक्शन इस एंड पे चेंज हो जाएगी, टर्टल किस साइड को आ जाएगा, डाउन साइड को टर्टल आएगा, डाउन साइड को। डाउन साइड को उसके बाद क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से, टर्टल की पोजीशन ये होगी। इसके बाद एफ डी 100 टर्टल इधर आ जाएगा और पोजीशन इसकी इस साइड रहेगी। फिर उसके बाद आर टी 90 करूंगा तो इसकी पोजीशन इस साइड आ जाएगी, टर्टल इस साइड मूव करेगा। इसकी पोजीशन क्रिएट करते हैं, पोजीशन क्रिएट कर लेता हूं इसकी इस तरीके से और इसका फेस इस साइड, इसका हेड इस साइड। लास्ट कमांड हम एफ डी 100 करेंगे तो इस साइड मूव करेगा, इसका हेड होगा इस साइड। आप चाहे यहाँ पे भी प्रोग्राम को एंड कर सकते हो, अगर आपको फिर से आर टी करोगे तो इसका साइड अपसाइड हो जाएगा, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था ये उसी साइड पहुंच जाएगा। तो इन कमांड्स को हम समझते हैं एक बार, स्क्रीन पर चल के एक्सिक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कैसे परफॉर्म कर रही हैं, जिस वे में हम चाहते हैं करना उसमें ये फंक्शन प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको हम स्क्रीन पर चल के एक बार चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CS। CS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, जो भी आपने स्क्रीन पर लिखा होगा वो क्लियर ही आएगा। एक और कमांड आती है CT, क्लियर टेक्स्ट, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे वो सब क्लीन हो जाएगा। ओके तो सबसे पहले हमें क्या करना था, एफ डी 100, तो सबसे पहले हम एफ डी टाइप करेंगे, एफ डी कमांड फॉरवर्ड कमांड एफ डी 100, एफ डी 100 एंटर, तो आप देखोगे ये 100 स्टेप्स अहेड, मतलब 100 कदम ही आगे बढ़ा है। अब हमें क्या करना है, आर टी 90, इसको 90 के एंगल पे बेंड करना है। जैसे मैंने 90 के एंगल पे किया तो ये टर्न हो गया, तो आर टी कमांड क्या करती है, राइट टर्न, इसमें
90 डायरेक्शन में, फिर एफ डी 100, नेक्स्ट कमांड थी एफ डी 100 किया तो फिर से 100 स्टेप्स अहेड। अब हमें राइट साइड टर्न करना है, आर टी 90 से एंगल इसका 90 डिग्री पे चेंज हो गया। अब एफ डी 100 इस तरीके से मूव हो गया, अगेन आर टी 90 अगेन एफ डी 100 और यहाँ पे हम या तो आप यहाँ पे प्रोग्राम एंड कर सकते हो कि हमारा स्क्वायर बन गया है, या फिर आप आर टी 90 करके जिस स्टेट पे पहले टर्टल था हम उसी स्टेट पे ले आए उसको, तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपको टर्टल कहाँ पे एंड करना है। ओके सो ये कमांड फॉलो करके एफ डी 100 आर टी 90 एफ डी 100 हमने क्या किया, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ओके सो इसी तरीके से हम एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमें ये कमांड फॉलो करनी है, तो ये कमांड हम पहले समझते हैं। तो फर्स्ट है एफ डी 200, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, टर्टल अगर सेंटर पे है तो ये 200 स्टेप्स अहेड मूव करेगा, टर्टल इस पे आ जाएगा। हम क्या करेंगे आर टी 120, तो राइट साइड टर्टल को मूव करा के हम इस डायरेक्शन में, टर्टल हमारा क्या होगा सेकेंड में इस डायरेक्शन 120 की डायरेक्शन में इस फेस में आ जाएगा। ओके तो ये इसका हेड होगा टर्टल का। थर्ड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप था, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे एफ डी 200 ये अहेड मूव कर जाएगा, इसकी पोजिशन हेड की इस साइड को होगी, ये इसका हेड है। फिर हम क्या करेंगे इसको आर टी 120, इसको 120 एंगल में फिर से बैंड करेंगे, ठीक है, इसे फिर इस एंगल में आ जाएगा, इसकी पोजिशन ये हेड हो जाएगी। और फिर एफ डी 200 करेंगे, ये आपके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। टर्टल यहाँ से हमने फॉरवर्ड मूव कराया, फिर टर्टल को बैंड किया, टर्टल को बैंड करके फॉरवर्ड किया, इस पोजिशन पे ले गए, फिर यहाँ से बैंड किया और फिर यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हमारा एक टर्टल ड्रॉ हो जाएगा। ए बी सी एक ट्रायंगल है जो हमने इस कमांड की हेल्प से ड्रॉ किया। तो स्क्रीन पे चलते हैं, इस पे देखते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे सी एस का मतलब मैंने बताया था क्लियर स्क्रीन, सी टी का मतलब होता है क्लियर टेक्स्ट, उससे क्या होता है क्लियर टेक्स्ट से जो भी टेक्स्ट आपने प्रोग्राम लिखा था वो क्लियर हो जाता है। ओके सो अब हम टर्टल की हेल्प से क्या ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल। तो सबसे पहले एफ डी 200, अब देखा 200 स्टेप्स अहेड हो गया। अब क्या करेंगे हम आर टी 120 से मैंने क्या किया इसको 120 डिग्री पे बैंड कर दिया। नेक्स्ट कमांड फॉरवर्ड 200 मैंने एंटर कर दिया। ओके अगेन आर टी 120 मुझे 120 पे मूव करना है, मैंने 120 पे कर दिया। एफ डी 200, तो आप देखोगे मैंने क्या किया एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया टर्टल की आपसे। यहाँ पे मैं आर टी 120 करके इसको इसकी पहली पोजीशन पे ला सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है, ये कमांड आपको लास्ट वाली आप चाहते हो कि ये नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाए या नहीं है। यहाँ पे एक और कमांड होती है एच टी कमांड से क्या होता है कि टर्टल हाइड हो जाता है। तो हम पार्ट टू में पढ़ेंगे जब हम इसकी एडवांस कमांड पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी कमांड्स होती हैं जो और प्रोग्राम को इनहेंस करती हैं। ओके तो उसको बैक करने के लिए शो टर्टल, एच टी से शो टर्टल होता है और एच टी से हाइड टर्टल। ओके सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम बहुत बार एफ डी आर टी बहुत बार ऐसी कमांड है। स्क्वायर में भी हम जो ड्रॉ करना था हमने क्या किया एफ डी आर टी बार बार कमांड को रिपीट कर रहे थे। तो हमने क्या किया था यहाँ पे बार बार कमांड को रिपीट कर रहे थे। तो लोगो हमें एक फैसिलिटी और देता है कि अगर हमें ये कमांड बार बार रिपीट नहीं करनी है तो हम एक रिपीट कमांड यूज करते हैं। लोगो की एक कमांड होती है जैसे एफ डी कमांड है वैसी एक रिपीट कमांड होती है। रिपीट कमांड क्या करती है जो भी आप बार बार करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एफ डी ये आप देखोगे आप एक बार लिखा है और इसी को वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम रिपीट किया। तो एक कमांड होती है REPEAT रिपीट रिपीट फोर टाइम्स और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही पढ़ेंगे रिपीट कमांड के बारे में। रिपीट कमांड क्या करती है
जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं, और अगर वो इंस्ट्रक्शन आपको बार बार देने हैं तो आपको बार बार टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। तो उस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, टू अवॉइड रिपीटेशन लोगो यूज रिपीट कमांड, इट इज यूज टू टर्न द इंस्ट्रक्शन लिस्ट रिपीटेडली। तो हमने देखा था कि हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए बार बार एफ डी आर टी, और फिर पहले एफ डी किया था 200, आर टी किया था 120, हमें ट्राइंगल जब ड्रॉ किया था आर टी 120, फिर इसी कमांड को रिपीट किया था, हमने 3 times सेम कमांड को रिपीट किया था। ओके, तो सेम कमांड को रिपीट करने से अच्छा है कि हम रिपीट एक कमांड है उसको यूज करें। इसका सिंटेक्स क्या होता है, आपको लिखना है रिपीट आर ई पी ई ए टी रिपीट, और यहाँ पे आपको नंबर देना है। नंबर का मतलब कि रिपीटेशन कितनी बार चलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बार चलाना है, दो बार चलाना है, तीन चलाना है। प्रोग्रामिंग में हम इसे कहते हैं लूपिंग, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में कहते हैं लूप, कि एक लूप आपको कितनी बार रन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 बार रन करना है तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे, 3 बार रन करना है तो आपको 3। तो जब ट्रायंगल हम बना रहे थे तो हमें 3 बार रिपीट करना था, हमने 3 दे दिया, और जो भी कमांड लिखनी है वो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या कमांड लिखनी थी, एफ डी 200, आर टी 120। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो होंगे, एक बार एक कमांड चलेगी क्योंकि हमने रिपीट 3 times लिखा है, तो ये कमांड 3 बार चलेगी, मतलब एक बार एफ डी 200, फिर आर टी 120, ये एक कमांड हो गई, एक सेट ऑफ कमांड हो गई, पहले एक बार रन करेगी, फिर ये दोबारा रन करेगी, ये 3rd बार रन करेगी। ओके, तो हम स्क्रीन पे चलते हैं और रिपीट कमांड देखते हैं कि रिपीट कमांड किस तरीके से काम करती है और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो अब हम रिपीट कमांड का यूज करेंगे एक स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी एस का मतलब मैंने बताया था क्लियर स्क्रीन, और सी टी मतलब क्लियर टेक्स्ट। तो एक बार हम बिगर रिपीट कमांड पहले यूज करके स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं दोबारा, और उसके बाद देखेंगे कि रिपीट कमांड यूज करके कितनी आसानी से, कितने कम कोड की हेल्प से हम वो प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए एफ डी 200, आर टी 90, ओके, फिर हमें एफ डी 200, अगेन आर टी 90, अगेन एफ डी 200, आर टी 90, फिर एफ डी 200, सेम पोजिशन लाने पे टटल को एफ डी 90। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने एफ डी 90, फिर से एफ डी 90, फिर से एफ डी 90, और फिर से एफ डी 90 किया है। तो मुझे एक कमांड 8 बार लिखनी पड़ी है, एक बार एफ डी, एक बार 90 आर टी 90, एक बार एफ डी आर टी 90। तो मैं जो बार बार कमांड लिख रहा हूँ, तो इन कमांड को रिमूव करने के लिए, कि हमें मल्टीपल बार सेम कमांड नहीं लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, रिपीट का यूज करेंगे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर कर देंगे, और इस बार हम कमांड को हटाएंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि हम बाद में कंपेयर करेंगे कि हमने रिपीट कमांड में कितना कोड लिखा था और नॉर्मली जो हमें लिखा था किस तरीके से लिखा था। सो हम लूपिंग का यूज़ करेंगे। लूपिंग का यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि रिपीट वर्ड का यूज़ करना है, रिपीट हमें 3 times करना है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करने हैं, क्लोज करने हैं, और उसके बीच में कमांड लिखनी है, एफ डी 200, आर टी 90। और जैसे ही आप इस कमांड लिखोगे, आप एंटर प्रेस करोगे, तो आप देखोगे कि ये 3 बार चली है। ओके, क्योंकि हमने 3 times किया था, तो अगर इसको हम 3 times करेंगे तो 3 times चलेगी। इसको एक बार क्लियर स्क्रीन करते हैं और इसको 4 times चलाते हैं। जैसे मैंने 4 times किया तो ये कंप्लीट 4 times चली और इसने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। तो आप देखना, आप कंपेयर करो कि हमने ये सारी कमांड्स लिखी थी, सबसे पहले हमने ये सारी कमांड लिखी थी एक स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए, फिर हमने सिर्फ एक लाइन ऑफ कमांड लिखा स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट, लोगो प्रोग्राम टू ड्रॉ ए सर्कल। तो हम सर्कल किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो अब इस कमांड रिपीट कमांड का यूज करके हम
सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप देखो कि हमने क्या किया, एफ टी वन आर टी वन, मतलब टर्टल यहाँ पे एक पोजिशन मुड़े और एक एंगल से टर्न हो जाए, फिर ये मुड़े फिर टर्न हो जाए, फिर मुड़े फिर टर्न हो जाए। इस तरीके से हमें कितने टाइम्स चलाना, 360। तो हमने कितने टाइम मूव किया इसको, 360। अगर हमें नॉर्मली कमांड या अगर बगैर रिपीट के यूज करेंगे तो हमें 360 बार ये टाइप करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सेंटर पे हैं और एफ डी एक ही बार में लिख दें कि ये थोड़ा सा आगे बढ़े टर्न हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़े टर्न हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़े टर्न हो जाए, तो इस तरीके से क्या होगा, एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, सो इस कमांड को हम, इस प्रोग्राम को एक बार हम स्क्रीन पे चल के देखते हैं लोगो स्क्रीन पे कि ये वहां किस तरीके से बिहेव करता है। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन सी एस, हमने क्लियर स्क्रीन किया और उसके बाद सी टी क्लियर टेक्स्ट, तो हमें सर्कल बनाना है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली चला के देखते हैं एफ डी वन आर टी वन, एफ डी वन आर टी वन, आप देखो बहुत छोटा सा एक चेंजेस आया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे मैं एक कमांड को बार बार लिख रहा हूँ तो ये मूव होता जा रहा है। ओके, तो आप देखो इस कमांड को हम बार बार अगर लिखने पड़े तो हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा। तो ये सर्कल तो बन रहा है लेकिन बहुत स्लो रेट से बन रहा है क्योंकि हमें 365 बार ये टाइप करना पड़ेगा, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे, क्लियर टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे रिपीट कमांड का यूज करेंगे, रिपीट 360 बार, क्योंकि सर्कल का पूरा डिग्री होता है 360, तो हमें 360 बार मूव करना है एफ डी वन और आर टी वन। जैसे इंटर करेंगे आप देखो कंप्लीट सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। इस हेल्प से हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, सो एक बार हम फटाफट इसमें रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इस स्लाइड में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था लोगों के बारे में कि लोगो क्या है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोगो स्टैंड्स फॉर, लोगो की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक ओरिएंटेशन, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेशन। इसका मतलब होता है कि इसमें आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था, स्क्वायर बना था, रेक्टेंगल बनाया था, स्क्वायर बनाया था और सर्कल, इस तरह के ग्राफिक ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। जब आप इसके एडवांस लेवल में जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी इसमें ड्रॉ बना सकते हो, इसको कलर कर सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए प्योर सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इफ चिल्ड्रंस के लिए जो अभी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुए हैं ग्रेड फोर के लिए, आप लोग इसको सीख सकते हैं और जब आप ये सीख जाएंगे तो आप अपनी कमांड के हिसाब से इसमें कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें ड्रॉ हो सकती हैं। वी कैन यूज लोगो टू ड्रॉ पिक्चर्स, हम इसमें पिक्चर्स बना सकते हैं, इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट की हमें कोई स्क्रीन पर टेक्स्ट प्रिंट करना है तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। फिर हमने देखा था लोगो स्क्रीन हैज टू पार्ट्स, एक ग्राफिक विंडो होती है, ग्राफिक विंडो क्या होती है, मेन स्क्रीन होती है। ठीक है, इस स्क्रीन पे आपको टर्टल शो होता है और वो टर्टल क्या करता है, आपके कमांड इंस्ट्रक्शन जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करता है, और जो भी कमांड हम देते हैं लोगों में उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, तो एफ डी 90 जो हमने देखा तो क्या एक प्रिमिटिव है, आर टी 90 जो हमने किया वो कहता है एक प्रिमिटिव है, लोगों में कमांड को क्या कहते हैं प्रिमिटिव। इसके बाद हम देखा था कमांडर विंडो, कमांडर विंडो दो पार्ट का डिवाइड होती है, स्मॉल इनपुट और रिकॉल लिस्ट। रिकॉल लिस्ट बॉक्स जो साइड में हमने देखा था ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वो रिकॉल लिस्ट बॉक्स है, और कमांडर इनपुट बॉक्स जो इस तरह की स्क्रीन देखी थी हमने और जहाँ पे हम टाइप कर रहे थे तो होता है इनपुट बॉक्स, जहाँ पे हम अपने इनपुट देते हैं। तो कमांडर इनपुट बॉक्स में हम इनपुट देते हैं, ग्राफिक स्क्रीन पे हम जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनका आउटपुट आता है, तो ये कंसोल स्क्रीन भी होती है, आउटपुट स्क्रीन भी होती है, मेन स्क्रीन भी होती है, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, लोगों में इसको हम ग्राफिक स्क्रीन कहते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट कमांड के बारे में पढ़ा था, एफ डी कमांड, एफ डी कमांड क्या करती है, टर्टल अगर सेंटर पोजिशन पर इसको फॉरवर्ड मूव कराने के, तो आप कोई भी टर्टल फॉरवर्ड मूव कराना है तो आप क्या करोगे, एफ डी टाइप करोगे और यहाँ पे वैल्यू एफ डी 90, एफ डी 100, तो ये स्टेप्स होते हैं, जितने भी स्टेप्स आप दोगे ये इतने ही
स्टेप्स आगे मूव करेगा। एफडी 70 क्या करेगा, मूव द टर्टल अहेड बाय 70 स्टेप्स। उसके बाद हमने बैकवर्ड कमांड की थी, तो जैसे फॉरवर्ड हमें आगे करना है तो कभी हमें टर्टल को पीछे भी करना होता है, तो उसके लिए हम बैक बी के कमांड यूज करते हैं। बी के 70 क्या करेगा, टर्टल को बैकवर्ड बाय 70 स्टेप्स। तो आप बैकवर्ड मूव करा सकते हो 70 स्टेप्स, और जितने भी स्टेप्स आप चाहो उसको मूव कर सकते हो। तो आपको कमांड क्या देनी है, बी के 70 और बी के 100, डिपेंड कि आपको कितने स्टेप उसको मूव कराना है। नेक्स्ट कमांड हमने पढ़ी थी आरटी। आरटी का मतलब होता है राइट टर्न, तो राइट आपको 90 डिग्री पे करना है, 60 डिग्री पे करना है, वह हमने 1 डिग्री भी करके देखा था सर्कल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो आप जितने भी डिग्री दोगे क्या करेगा, द हेड ऑफ ए टर्टल विल टर्न टुवर्ड राइट डायरेक्शन इन 60 डिग्री, तो उतने ही डिग्री में वो टर्न हो जाता है। सो एलटी कमांड भी बिल्कुल आरटी कमांड की तरह ही है। आरटी कमांड में टर्टल राइट टर्न होता है और एलटी कमांड में लेफ्ट टर्न। तो हमने स्क्रीन पे देखा था कि अगर टर्टल इस डायरेक्शन में है, हमें अगर इस डायरेक्शन में मूव करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एलटी कमांड से टर्टल को इस डायरेक्शन में, मतलब एलटी 60 मतलब टर्टल क्या होगा 60 डायरेक्शन में मूव हो जाएगा इस तरीके से। और क्या करेगा, फिर आप एफ डी कमांड अगर उसकी बात दोगे एफ डी 100, तो ये क्या करेगा 100 स्टेप्स को मूव करेगा। द हेड ऑफ अ टर्टल विल टर्न लेफ्ट डायरेक्शन इन 60 डिग्री, तो एलटी 60 का मतलब हो गया कि लेफ्ट टर्न करेगा और 60 डिग्री से। इसके बाद हम देखा था लोगो प्रोग्राम टू ड्रॉ स्क्वायर। स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए हम एफ डी आर टी, एफ डी 90, एफ डी 90, एफ डी 90। तो सबसे हमने पहले हमने इसको इधर मूव किया था, फिर टर्न किया था, टर्न करने के बाद इधर मूव किया, फिर टर्न किया, इधर मूव किया, टर्न किया, इधर मूव किया, फिर टर्न किया। तो उसकी हेल्प से हमने क्या है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया था। फिर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए भी सेम कि एक इस तरीके से एफ डी किया, टर्न किया, इधर मूव किया, टर्न किया और इधर मूव किया, तो हमारा एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया था। फिर हमने पढ़ा था रिपीट कमांड के बारे में, तो टू अवॉइड रिपीटेशन कि हमें यहाँ पे हमने देखा था कि स्क्वायर में हमें एक कमांड बार बार रन करनी पड़ रही थी, एफ डी 90 हमें 4 बार रन करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि रिपीट कि आपको कमांड रिपीट कमांड यूज करोगे तो रिपीट 4, और यहाँ पे अपनी कमांड जो भी कमांड आप लिखोगे वो 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। उसके बाद हमने सीखा था सर्कल ड्रॉ करना। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एफ डी 1 आर टी 1, एक स्टेप आगे और एक डिग्री मूव, और ये कितनी बार परफॉर्म किया हमने 360 टाइम, तो उससे मेरा कंप्लीट सर्कल एक ड्रॉ हो गया था। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट इसमें परफॉर्म करके बना के देखेंगे। थैंक यू।